भारत ने बनाया शुद्ध देसी लेजर हथियार। अब दुश्मनों का खात्मा नहीं, अंतिम संस्कार होगा। गोला बारूद से नहीं बल्कि डायरेक्ट एनर्जी पर काम करेंगे। यह है कि 100% शुद्ध तरीके से अब यह हथियार देश में भी बन रहे हैं और इन हथियारों को बना रहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO। DRDO फिलहाल अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन जैसे टारगेट को मार गिराने के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाने के मिशन में जुटा है। लेजर हथियार डायरेक्ट एनर्जी वेपन में हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव शामिल है। DRDO टारगेट के खिलाफ 100 किलोवाट पावर के डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप कर रहा है। इन हथियारों को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बनाया है। इसमें अलग अलग तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन हथियार होंगे। यह हथियार देश पर दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी छोटी मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन को आसमान में नष्ट कर देंगे। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को काली बीम नाम दिया गया है। इस लेजर बीम हमले में आवाज नहीं होती है, ये चुपचाप अपने दुश्मनों को लक्ष्य बनाते हुए भेद देती है या फिर उसे जलाकर राख कर देती है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कई सालों से ऐसे हथियार बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा था। सूत्रों का कहना है कि इसमें पहले फेज में ऐसे हथियारों की रेंज को 6-8 किलोमीटर फिर दूसरे फेज में 20 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी।